पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने कुछ ऐसी चीटिंग की जिसके बाद बाबर आजम बीच मैदान पर भड़क उठे और अंपायर के साथ बहस करते हुए नजर आए। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 137 रन का स्कोर बनाया और लड़खड़ाती दिखाई दी पाकिस्तान की टीम। वहीं इंग्लैंड की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिली और पाकिस्तान के पास उसका कोई जवाब नहीं था। यहीं पर दोस्तों, जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी चल रही थी और इंग्लैंड गेंदबाजी कर रहा था, तब इंग्लैंड की तरफ से हमें एक खतरनाक चीटिंग देखने को मिली। दोस्तों आपको बता दें, इंग्लैंड का जो स्टाफ था, डग आउट था, वहां से पूरी टीम की फील्ड सेटअप की जा रही थी और साथ ही पूरा बॉलिंग भी कंट्रोल किया जा रहा था। इंग्लैंड के डग आउट से इशारे किए जा रहे थे कि किस बॉलर को किस टाइम पे बॉलिंग करवाना है। पोस्टर के जरिए कुछ शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था और बॉलर्स को बॉलिंग के लिए बुलाया जा रहा था। तो दोस्तों, इस चीटिंग को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना।